बताइए बैलेंसिंग में। गुड इवनिंग बेटा, बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है बच्चों? क्या बैलेंसिंग में पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चारों बन गए? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मतलब आप लोगों से बैलेंसिंग अब बनने लग गई है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी गिवन केमिकल इक्वेशन को हम और ज़्यादा जानकारीप्रद और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। तो कैसे हम किसी चीज़ को, केमिकल इक्वेशन को और अच्छा बना सकते हैं दिखने में, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिले। तो मोस्ट ऑफ द यू आप ये चीज़ों को जानते हैं कि भाई सिंबल लिखे जाते हैं, लिक्विड के नीचे एल लिखो, गैस के नीचे जी लिखो, सॉलिड के नीचे एस लिखो। अगर कोई सोल्यूशन आपने पानी में घोल करके बनाया है तो आप उसके साथ में क्या लिखोगे? एक्वस। जैसे जनरली HCl जो सोल्यूशन बनता है वो पानी में बनता है, तो यहाँ लिखते हैं एक्वस। अगर H2SO4 बनता है जो सल्फ्यूरिक एसिड, वो पानी में बनता है, तो उसके साथ भी क्या लिखते हैं? एक्वस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब आप जो है वो चीज़ें क्या क्या इनकी फिजिकल स्टेट है। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उसमें हीट निकल रही है तो आप क्या करेंगे बाद में, यहाँ पे एनर्जी करके एनर्जी लिख दीजिए। ओके, एनर्जी आउट कर दो बाहर, कंडीशन मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, लिबरेट हो रही है ना। और तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, प्रेशर लिखा जाता है, टेम्परेचर लिखा जाता है, कई सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। चलो पढ़िए, स्वास्थ्य स्टार्ट करेंगी आप। मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, पढ़ो बाय राइटिंग। बाय राइटिंग द बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस अ केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव। गैसियस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी, लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एल, solid state is written by symbol S, and aqueous solution substance dissolved in water is written by symbol AQ. Yes, तो ये चारों स्टेट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो बच्चों जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप रोक करके मुझसे डिस्कस कीजिए। वैसे ये इजी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आती है, तो मैं उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो डिस्कस कर लेना। अब बच्चों दो टाइप की एक और रिएक्शन पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कल मैंने बताया था कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। खैर ह्यूज अमाउंट से मतलब नहीं है, अगर एनर्जी बाहर जाए तो एनर्जी का बाहर जाना मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट। हम लोग अपने घर में क्या लगवाते हैं? एग्जॉस्ट फैन। तो वो क्या करता है? घर की गर्मी को बाहर फेंकता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकले उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको एनर्जी देना पड़े, ओके, एनर्जी यूज हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। पढ़िए बेटा रिएक्शंस। रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब रिक्वायर एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Respiration is the exothermic reaction. As in respiration process, energy is released. When quicklime calcium carbonate is added to water, it decomposes and releases energy. So it is also an example of exothermic reaction. तो दो पॉइंट अंडरलाइन के लिए यहाँ पे कि एक तो बात की है रेस्पिरेशन की भैया, कि रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन मतलब आप सांस लेते हैं, जब तो सांस लेते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन अंदर जाने के साथ एनर्जी निकलती है। आपने वो शायद रिएक्शन पढ़ी होगी, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, कुछ ATP रिएक्शन होती है वो कुछ तो वो यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, तो उस फॉर्म में एनर्जी निकला करती है। मेरे को ज़्यादा बायो के बारे में जानकारी नहीं है, बस ये है कि रेस्पिरेशन जब आप करते हैं, जब भी आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो आपकी सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और सेल्स आपकी एनर्जाइज होती हैं, वो एनर्जी रिलीज करती हैं और उसी एनर्जी से फिर आप अपने काम करते हो। सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉपी में नोट कर लो कि रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है। रेस्पिरेशन मतलब सांस का लेना और छोड़ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपकी जो एनर्जी होगी नहीं बनेगी। ओके, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल वही दिया है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट जब क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम में वाटर ऐड किया जाता है, क्विक लाइम यानी CaO। अच्छा, यहाँ पे क्विक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है? नो बच्चों, क्विक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसमें आपने याद करो कल पानी घोला था तो आपने देखा था क्या बना था, CaOH2, गीला चूना यानी स्लैग्ड लाइम, और बहुत ज़ोरदार एनर्जी स्प्लैशिंग फॉर्म में निकली थी खड़बड़ खड़बड़ करते हुए। तो ये भी एक कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना।
अब भाई बात करते हैं अगली रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक हो गई, ठीक है ना। पढ़ो बेटा, कुकिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन व्हिच आर एंडोथर्मिक एज कुकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीट। सिमिलरली इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज रिक्वायर्ड, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में भी क्या लगती है? सनलाइट लगती है। ओके, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन 6CO2 प्लस 6H2O, ओके, ये ऐसी कुछ करके रिएक्शन होती है। ये किस में होती है? सनलाइट फॉर्म में होती है। तो सनलाइट में एनर्जी लगती है सन की। तो ये कैसी रिएक्शन है बच्चों? ये भी अपनी कौन सी रिएक्शन है? अपनी एंडोथर्मिक, बिकॉज ये एनर्जी मांग रहा है, तो ये एंडोथर्मिक है। और फिर आपका क्या बनता है? पौधों का खाना बनता है, वो ग्लूकोज बनाते हैं ना, ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं। सो दीज ये जो रिएक्शंस होती हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे क्लोरोफिल बनता है, सॉरी, और यहाँ पे जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के एग्जांपल लिख लें, कुकिंग ऑफ फूड इज एन एंडोथर्मिक। एक तो खाना का बनना, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहली बात। और दूसरा फोटोसिंथेसिस, इट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कुछ एक्सोथर्मिक है, ये आपका जानना बेहद जरूरी है। अगली बात पढ़ते हैं, राइट द कंडीशन। देखो भाई, अगली जानकारी, पहली जानकारी क्या पढ़ी अपन ने? बताना कि सिम फिजिकल स्टेट क्या है। दूसरी जानकारी क्या पड़ी? बताओ कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। लिखो, कैसे लिखोगे? ये एनर्जी, अगर यहाँ पे एनर्जी लिखोगे, इसका मतलब कैसी है? एक्सोथर्मिक है। और अगर यहाँ पर एनर्जी लिखोगे तो इसका मतलब एंडोथर्मिक है। मतलब लेफ्ट साइड में अगर एनर्जी लिख रहे हो तो एंडोथर्मिक, और अगर राइट साइड में एनर्जी लिख रहे हो तो एक्सोथर्मिक। बोलो, समझ में आया? यस कि नो? Yes, अगर लेफ्ट साइड में आप एनर्जी लिख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, अगर राइट साइड में एनर्जी लिख रहे हो तो एक्सोथर्मिक। नाउ राइट द कंडीशन। अब देखिए एक और तरीका है, जो आप कंडीशन में अपनी रिएक्शन कराते हैं उस कंडीशन को लिखो। ये देखो बच्चों, ये क्या रिएक्शन है? ये रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 4 में आएगी। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है हाइड्रोजन से मिला रहे हो। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, मिल रही है, और क्या बनता है बच्चों? CH3OH। ये क्या है? एल्कोहल है ये, और इस एल्कोहल का पूरा नाम है बच्चों मिथाइल एल्कोहल। तो डोंट वरी, अभी नाम आप याद कर लो, ये मत सोचो कि सर इतना बड़ा नाम कैसे याद करेंगे, याद कर लो। तो ये जो रिएक्शन है ये एक विशेष टेम्परेचर में होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर है, टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर है। सो दिस प्रेशर इक्वल टू 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों। मालूम है हम लोग कितने प्रेशर में रहते हैं? हम लोग रहते हैं 1 ATM में, मतलब 1 ATM प्रेशर हमारे ऊपर है। अगर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो हम जमीन में लेट जाएंगे। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि शायद सांस भी ना ले पाएं, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि हम सांस भी ना ले पाएं इस प्रेशर में। तो ये रिएक्शन जो होती है इतने प्रेशर में होती है, तो वह जो प्रेशर की कंडीशन है उसको इसके ऊपर लिखा जाता है। तो एक बार अपनी अपनी कॉपी में ये रिएक्शन लिख लो, है ना, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। क्या रिएक्शन है बच्चों? CO2 गैसियस फॉर्म प्लस 2H2 गैसियस फॉर्म, क्या बन गया? CH3OH। मेन बात क्या थी? लिक्विड फॉर्म, एल्कोहल लिक्विड होता है बच्चों। मेन बात क्या है? ऊपर लिखना 340 ATM, 340 ATM। ओके, अगला। अब बच्चों रिएक्शन में कुछ एलिमेंट होते हैं, उनको भी लिखना जरूरी होता है, जो रिएक्शन को या तो फास्ट कर देते हैं या तो स्लो कर देते हैं। तो रिएक्शन को फास्ट या रिएक्शन को स्लो करने वाले एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब भड़काने वाला। कैटालिस्ट मतलब रिएक्शन को या तो भड़काने वाला या शांत कराने वाला। तो अब देखिए, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें ये CO क्या होती है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। नोट कर लो सभी लोग, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ लड़ा रहा हूँ और मेरा बनता है एल्कोहल, CO+2H2 इक्वल टू CH3OH। ओके, ऊपर वाले में हाइड्रोजन लड़ाया था, इस बारे में भी हाइड्रोजन लड़ा लो, बट थोड़ी सी फॉर्मूले में डिफरेंस है। CO+2H2 इक्वल टू CH3OH, ये जो रिएक्शन है। ओके, अब इस रिएक्शन में देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये रिएक्शन के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो 300 ATM है, जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस रिएक्शन में ये दो नए मेहमान क्या कर रहे हैं?
एक क्या है जिंक ऑक्साइड है और एक है क्रोमियम ऑक्साइड। बच्चों ये दोनों इस रिएक्शन को भड़काने का काम करते हैं, मतलब इनकी वजह से ये रिएक्शन तुरंत की तुरंत होती है। सो दीज आर कॉल्ड कैटलिस्ट, समझ गए ना। आपने देखा होगा स्कूल में कभी दो लोगों के पीछे बीच में लड़ाई होती है तो यहाँ पे झुंड का झुंड आ जाता है और फिर नाम लेने लगते हैं अपनी अपनी पार्टी का। मान लो सूरज लड़ रहा है रवि से तो इधर वाले चिल्लाने लगते हैं, चीयर अप करने लगते हैं, सूरज सूरज, इधर वाले रवि रवि रवि। तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग, बोलो बेटा। यस बेटा ओके, फिर से मैं बताता हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। ओके तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करने का या रिएक्शन को स्लो करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही थी ए और बी, तो कुछ लोग आकर के क्या लगेंगे नाम लेने लगेंगे। ओके सूरज सूरज सूरज, तो क्या होगा ये इसका इसके अंदर बहुत प्राउड आ जाएगा, जोश आ जाएगा, इसको मारना पीटना शुरू कर देगा। ओके चीयर अप करने से उन लोग को एनर्जी आ जाती है। तो दीज आर कॉल्ड, ये लोग सब किसके जैसे काम करेंगे कैटलिस्ट के जैसे। पढ़िए स्वास्तिक, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस। Yes, sir. पढ़ो। Catalyst is a chemical substance which is neither a reactant nor a product, but the reactions take place only in its presence or the reaction speeds up in its presence. हाँ, तो जो रिएक्शन होती है इसकी प्रेजेंस में स्पीड अप हो जाती है। ये लोग भाग नहीं लेते डायरेक्टली रिएक्शन में, ये जो खड़े हुए ना दर्शक, ये लोग भाग नहीं लेंगे मगर इनकी वजह से स्पीड अप हो जाएगी रिएक्शन। ओके एग्जांपल नोट कर लो बच्चों सभी लोग। अब तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दस बाय राइटिंग द सिंबल्स इन द फिजिकल स्टेट सबस्टांस एंड कंडीशन अंडर द विच रिएक्शन टेक्स प्लेस ए केमिकल रिएक्शन कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव। इस तरीके से कंडीशंस सिंबल, ओके फिजिकल स्टेट कंडीशन सिंबल लिखने से रिएक्शन जो होती है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अपनी अपनी कॉपी में एग्जांपल लिखे, बड़े अच्छे एग्जांपल हैं। कई बार डायरेक्टली, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है तो डायरेक्टली कई बार यहाँ पे ब्लैंक करके पूछेगा कि भाई क्या है। तो बच्चों ये एग्जांपल लिख लो चारों आप लोग। तो पहली एग्जांपल में क्या है, इथिलीन है C2H4, हाइड्रोजनेशन कराया गया निकिल की प्रेजेंस में 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और बन चुका है इथेन। अगले में नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ लड़ रहा है और बन गई है नाइट्रिक ऑक्साइड और टेम्परेचर कितना है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ लड़ाई किया है और बन गया है ग्लूकोज। जी हाँ ये है भैया अपना क्या है ये, वो क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन है, पौधों का खाना बनना, फोटोसिंथेसिस। यस तो ये लिख लो बच्चों, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोरोफिल रहेगा प्रेजेंट, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन। हाँ नोट कर लीजिए। और अगला है अमोनियम नाइट्रेट, ये देखो ब्रेक हो गया है तो क्या बन गया है नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड वाटर। तो ये सारी रिएक्शन नोट कर लो, ये बस आप मैं कहूँगा इनको तो आप घर में कहीं ना कहीं स्टडी टेबल के सामने लिख लो और वो थोड़ा बहुत दिखती रहेंगी तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी, अलग अलग याद करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है चलिए, तो ये रिएक्शन हो गई। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन चारों लिख लीजिएगा, अभी कोई बात नहीं आराम से लिख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। ओके ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ध्यान देने वाली ये बात ये है कि इन सबको हमने कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया है, यहाँ रिएक्शन को सबको हमने बहुत इन्फॉर्मेटिव बना दिया है। अब अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, भाई नाम सुनने से ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में, कोई चीज़ मान लो ए रखी हुई है उसमें ऑक्सीजन का अटैक होना, तो मतलब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन का बाहर जाना दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ओके तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। अभी तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई ऑक्सीडेशन की आपको, तो थोड़ा सा लिख लो ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों दो चीजें होती हैं ऑक्सीडेशन का मतलब, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देख लो कैसे, मान लो ए है,
ए में ऑक्सीजन ऐड हो गया, बन गया ए ओ, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अगर मान लो ए एच था और ए एच जो है टूट करके ए प्लस एच बन गया, तो देखो ए एच में ऑक्सीजन था बट ये अब अकेला हो गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन है क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसी का भाई रिडक्शन है, बिल्कुल इसी की जैसे रिडक्शन। रिडक्शन की मीनिंग क्या होती है देखो, तो जो रिडक्शन की मीनिंग हुआ करती है, रिडक्शन का मतलब होता है भाई कि आर एच जैसे कोई एलिमेंट है ए, तो ए में आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड ए एच। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए में आपने एच ऐड कर दिया मतलब रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो रिडक्शन का मतलब पहला क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का रिमूव होना। मान लो ये ए था और ओ था, जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन अलग हो गया और ए अलग हो गया, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो बच्चों लिख लो, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। डन ऑक्सीजन, हाँ। तो ये हमारी चीजें हैं। अब चलिए इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके अभी एक मिनट, इसमें दो चीजें और आ गई हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किस, जैसे ए है, ए को अपन को जोड़ करके क्या बनाना है, ए ओ, तो कुछ तो यहां पे रहा होगा ना, बी ओ। भाई बी ओ नहीं तो इसमें ऑक्सीजन ठूसा होगा, भरा होगा। तो जिसने ऑक्सीडाइज कराया, जिसने ऑक्सीडाइज कराया, कौन ने, बी ओ ने, तो बी ओ ने इसको ऑक्सीडाइज कराया। तो जो ऑक्सीडाइज कराता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, यस। अब एक बहुत जबरदस्त वाली फीलिंग करो, देखो बच्चों, बी ओ जो है, अगर बी ओ ए को ऑक्सीडाइज करेगा तो बेचारा खुद का ऑक्सीजन खो देगा, मतलब बी ओ का खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो लिख लो कॉपी में, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज बींग रिड्यूस्ड, क्योंकि बी से ओ निकलेगा और ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो ये जो बी ओ होगा ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, ऑलवेज रिड्यूस्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके अब एक चीज और देखो, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ए है, ए है प्लस बी है एच है, रिड्यूसिंग का मतलब जो रिड्यूस करे, जो हाइड्रोजन को ऐड करे। तो यहां देखो बी एच जो है वो हाइड्रोजन ऐड करेगा ए में, तो क्या बन जाएगा, ए एच, और बी बेचारा अकेला पड़ जाएगा। तो ये तो रिड्यूस हो गया, बट बी एच क्या हो गया बच्चों, बताओ, ऑक्सीडाइज हो गया कि रिड्यूस हो गया? रिड्यूस। गलत, अरे रिड्यूस ए हुआ है, ए का रिडक्शन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया, ए ए एच में बदल गया, बट बी से तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, सो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाँ, तो बी एच का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, मतलब yes, sir. एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। डन, चलो। यस। प्रगति, नॉइस तो नहीं है बैकग्राउंड में आपके, बिल्कुल शांत है एरिया? यस सर। चलिए प्रगति पढ़िए, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़िए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छी रिएक्शन है बच्चों, अच्छी डेफिनेशन है ये, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ज्यादा इसमें डिटेल करिए, या तो ऑक्सीजन जुड़े या नॉन मेटेलिक एलिमेंट जुड़े। नॉन मेटेलिक एलिमेंट मतलब क्लोरीन जुड़ जाए, वही निगेटिव वाले, फ्लोरीन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन खुद निगेटिव है, नाइट्रोजन जुड़ जाए, तो इन चीजों का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, और पॉजिटिव क्वांटिटी का निकलना जो है वो क्या है,
वो भी ऑक्सीडेशन है. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अ मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन. आगे पढ़ो. एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कहलाएंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए, और जिसने ऑक्सीडेशन किया है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा. आगे पढ़ो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपाउंड्स विच कैन एक्ट ऑक्सीजन और अ नॉन मेटालिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो चीज़ें ऑक्सीजन ऐड कर दें उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ए ओ है और बी अकेला था. ओ ने अपनी ऑक्सीजन बी में लगा दी और ए अकेला हो गया, बी ओ हो गया, तो ए ओ क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने बी को ऑक्सीडाइज किया है. अगला पढ़ो बेटा रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन. द कंपाउंड और एलिमेंट व्हिच गोस अंडर द रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स व्हिच कैन कॉज रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स. इन अ केमिकल रिएक्शन oxidation and reduction both take place simultaneously and such reactions are known as redox reactions. In the word redox, red stands for reduction and ox stands for oxidation. Exactly. Very good. So ye question aata hai ki what are redox reaction. Ab dekhiye is reaction ko. यहाँ पे ए ओ ने ऑक्सीजन खिलाया था सामने वाले को बी को, तो बी का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था. बट ए ओ से ऑक्सीजन निकला था तो इसका क्या हो गया था, रिडक्शन हो गया था, और साथ ही साथ इसका क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था. मतलब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हों इनको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. सो सच रिएक्शन सर, ऐसी रिएक्शन क्या, सारी रिएक्शन जो होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होगा साथ ही साथ रिडक्शन होगा, अगर रिडक्शन होगा तो साथ ही साथ ऑक्सीडेशन होगा. सो दिस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. एग्जांपल, व्हेन आयरन रिएक्ट विद एयर इट फॉर्म एन ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड रस्ट. तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, देख लो भाई. तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है. साथ ही साथ ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बिकॉज दो लोग कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, इरेडॉक्स भी है. ओके, अब चलो मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे प्रगति की. प्रगति ये बताइए यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आयरन हो रहा है कि ऑक्सीजन हो रहा है. ऑक्सीडाइज, वो गेट ऑक्सीडाइज. एग्जैक्टली, ऑक्सीजन भला क्यों ऑक्सीडाइज होगा, खुद ही ऑक्सीजन है. तो आयरन को ऑक्सीजन अपना ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन जो है, आयरन जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है. हाँ बच्चों, रिएक्शन लिख लो. 4Fe प्लस 3O2 इक्वल टू Fe2O3. फोर एफ ई नहीं आएगा बेटा, यहाँ 2Fe कर लो बेटा. एक मिनट रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ. O3 है ना, तो बैलेंस नहीं है ये, रुक जाओ. तो 2Fe2O3, हाँ आप सही, बैलेंस हो गई, सही है बच्चों. 4Fe प्लस 3O2 लिख लो इसको सही, 2Fe2O3, अब सही है, बैलेंस सही है, बैलेंस करके लिखो ये. तो यहां पे पढ़िए बेटा, इन दिस रिएक्शन पढ़ो. व्हाट पढ़िए प्रगति, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू आयरन. इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू आयरन, दस आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड. हियर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बिल्कुल सही, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी ही ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. चलो भाई अब अगला सवाल करते हैं फिर से. चलो भाई बताओ आर्यन, नहीं, एक मिनट बेटा मैं सवाल कर रहा हूँ. आर्यन यहाँ पर ये बताइए, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन. बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि इसका ऑक्सीजन छीन लिया गया है और इसका ऑक्सीजन छीन करके इसे CuO में बदल दिया गया है, तो यहाँ पे ये इसका रिडक्शन हुआ है. तो रिडक्शन करने वाला कौन है, ये बैठा है H2, तो ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा बताओ प्रगति, कौन सा एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही. पढ़िए, व्हेन क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर एंड वाटर.
In this reaction, oxygen is removed from the copper and oxygen, copper and oxygen is added to hydrogen. So cupric oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to water. Cupric oxide is oxidizing agent and hydrogen is reducing agent. Exactly. Cupric oxide जो है अपना oxygen दे रहा है ना? तो अपना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन छीन रहा है तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत प्यारी रिएक्शन. अगला, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड इन वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लड़ रहा है और बन गया सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. चलो कौन बताएगा यहाँ पे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है? बताओ भाई जल्दी से. सर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है. हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये क्या बात हुई भाई? सोडियम का रिडक्शन हुआ है. यस सर. एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है. सोडियम रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है. अच्छा चलो ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. जिसके पास ऑक्सीजन है वो बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब कहोगे सर इसके पास हाइड्रोजन भी तो है. नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है. ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन ऐड करना पड़ता है और ये ऑक्सीजन ऐड कर रहा है सामने वाले में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड. और ये क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो इन दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस टू सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर के क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड. क्योंकि उसका ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना मतलब रिडक्शन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड. और HCl ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन गया? H2O. एंड हाइड्रोक्लोराइक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू द वाटर. H2O मतलब वाटर. सिंस ऑक्सीजन इज एडेड टू द हाइड्रोजन, सिंस ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्लोराइड इज रिमूव्ड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोक्लोराइक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट. इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. इसमें दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है. चलिए सर, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ है? देखो किस ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर HCl का, देखो ये समझ में आया ना, और रिडक्शन हुआ है NaOH का. तो NaOH का रिडक्शन हो गया है और HCl का ऑक्सीडेशन हो गया है. क्लियर हो गया? यस सर. अब पढ़ो बेटा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन. पढ़िए ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स. First, respiration is an oxidation reaction in which food is oxidized to produce energy. Second, iron gets oxidized to form crust, which leads to corrosion of iron in the long term. Corrosion मतलब बच्चों जंग लगना. Corrosion of iron in the long run. ठीक है ना, मतलब जब iron काफी देर तक पड़ा रहता है खुला हवा में तो iron का oxidation हो जाता है, है ना, और वो उस पर कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है. नेक्स्ट पढ़ो. मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑन द मेटल आर्टिकल. द मेटल गेट्स कोरोडेड इन द मेटल गेट्स कोरोडेड इन द लॉन्ग रन. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन, प्रगति आर यू देयर? चलो आर्यन पढ़ो. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल. दिस कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन आर्टिकल. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. हाँ, इंपॉर्टेंट बच्चों, आयरन को रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए हम आयरन के आर्टिकल में ऊपर से जिंक की पॉलिश कर देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं. बच्चों जिंक की लेयर चढ़ाने को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि जिंक की लेयरिंग को क्या बोलते हैं. सो आंसर इज गैल्वेनाइजेशन. तो याद रखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए हम लोग ऊपर से जिंक की लेयर चढ़ाते हैं. नेक्स्ट पढ़ो बेटा, फ्राइड फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज्ड